हर कोई बस कुछ नया बनाना चाहता है लेकिन बजट में रहते हुए। तो बजट में रहते हुए मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल और यूनिक पोटैटो चीज रोल्स की रेसिपी। ये बहुत ही इजी मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ क्रिस्पी पोटैटो चीज रोल की रेसिपी। ये रोल हम घर में मौजूद चीजों के साथ बनाएंगे, हमें कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते तो आप उन्हें ये रोल बना कर दें। गारंटी है कि अगर आपने बच्चे को एक दफा बना कर दिए तो आपके बच्चे आपसे दूसरी दफा खाने की फरमाइश जरूर करेंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्रिस्पी पोटैटो चीज रोल कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए आलू। आलू की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 आलू लिए हैं। उन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप फोक की मदद से भी आलुओं को मैश कर सकते हैं। अगर हम आलुओं को हाथों की मदद से मैश करेंगे तो कोई ना कोई पीस रह जाएगा, इसलिए पोटैटो मैशर या फोक का इस्तेमाल करते हुए आलुओं को मैश करें। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे, नींबू का जूस 1 से 2 चम्मच शामिल करेंगे, आमचूर या चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करेंगे, उसके बाद ढेर सारा फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। बस इतने ही मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को हम साइड पर रखेंगे। दूसरी साइड पर हम सिंपल आटा लेंगे। आटे को बेलकर एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई रखते हुए इसकी कटिंग की है। अगर आप बड़े रोल बनाना चाहें तो आप कटिंग का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद हमने जो आलू वाला मिक्सचर बनाकर रखा था उस मिक्सचर को अच्छी तरह से फैलाते हुए इन रोल्स पर लगा लेंगे। उसके बाद दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मोजरेला चीज। अगर आपके पास मोजरेला चीज ना हो या आपके बच्चों को पसंद ना हो तो आप मोजरेला चीज को स्किप भी कर सकते हैं। चीज शामिल करने के बाद हम इन रोल्स को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह के। हमारे रोल्स तैयार होंगे। सेम इसी तरह से हम बाकी के सारे रोल्स को भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें साइड पर रखेंगे और इनके लिए कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए हम एक बाउल में 2 अंडे शामिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हमने जो रोल बनाकर रखे थे उन्हें इस अंडे वाले मिक्सचर में दोनों साइडों से अच्छी तरह से कोट करेंगे। ध्यान रहे कि अंडे की कोटिंग सारी साइडों से अच्छी तरह होनी चाहिए, वरना हमने जो फिलिंग की थी वो निकल भी सकती है। उसके बाद एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर देंगे और एक एक करके सारे रोल्स को शामिल कर देंगे। पहले 1 से 2 मिनट हम आँच को तेज करेंगे। उसके बाद हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब एक साइड से रोल्स का कलर चेंज हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे और हमारे रोल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जब दोनों साइड से रोल फ्राई हो जाएं, तो किसी भी प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और इन रोल्स को उस प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारे मजेदार से क्रिस्पी पोटैटो चीज रोल्स रेडी हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इन रोल्स को आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।